Assalamu alaikum dear viewers, welcome to the physics class. In today's lecture we are going to discuss about Coulomb's law, same as that in previous one. Hum previous class mein bhi Coulomb's law ke bare mein discuss kar chuke the, usi same cheez ko hum isi class mein continue karenge aur aaj Coulomb's law complete kiya jayega. So this one is the part 2 and connected to the first one. So first जो वीडियो थी जो हमने कल क्लास लिया था अबाउट कूलम्स लॉ के इंट्रोडक्शन को तलिक उसी से ही हम कंटिन्यू करेंगे कूलम्स लॉ को. सो डियर स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी. हमने कहा था कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी. अब फोर्सेस की नेचर अट्रैक्टिव कैसे बनेगी और फोर्सेस की नेचर रिपल्सिव कैसे बनेगी ये इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिफाइन करके बताया था. सो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 बोथ आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r, दोनों को हमने किसी भी एक डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा है और उस डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है r के साथ, तो जो फोर्स होगा इन दो चार्जेस के दरमियान में वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस. उनके चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड हैं उनकी प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नॉट विद अ सिंगल चार्ज बट द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस. दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा उनकी प्रोडक्ट के साथ ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको कहूं कि इफ द चार्ज Q1 इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, अगर चार्ज Q1 को हम इंक्रीज करें 2 टाइम्स और इसके साथ कनेक्टेड चार्ज Q2 इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, इसको भी अगर हम दो गुना इंक्रीज कर दें, तो एक बात तो क्लियर है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर इंक्रीज्ड फोर्स इज आल्सो इंक्रीज्ड, फोर्स भी यहां पर इंक्रीज होगा. लेकिन फोर्स कितने गुना इंक्रीज होगा? सो हमें पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. एंड व्हाट आई एक्सप्लेन अबव इन द क्वेश्चन दैट Q1 इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स एंड Q2 इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गॉट द आंसर 4. इट मींस व्हाट के फोर्स इज इंक्रीज्ड बिटवीन 2 चार्ज बाय 4 टाइम्स. यानी कि हमने उन नंबर्स को उन टाइम्स को उन गिवन डेटा को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमें फोर्स इन अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर आर इन अमाउंट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाएगा. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ जो हम कल भी डिस्कस कर चुके थे. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टेटमेंट दैट द सेम फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. उन दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस हमने रिप्रेजेंट किया था आर के साथ, तो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? उस डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ. इट मींस के अच्छा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इफ आर इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, अगर हम डिस्टेंस को दो गुना बढ़ा रहे हैं, इफ आर इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, तो एक बात क्लियर है कि अगर डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कम होगा. एंड हाउ मच टाइम्स इट डिक्रीजेस यू हैव टू स्क्वायर द डिस्टेंस. आपने डिस्टेंस का स्क्वायर करना है तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो डिक्रीज होगा और कितने टाइम्स डिक्रीज होगा? 4 टाइम्स डिक्रीज होगा, तभी मैंने 1/4 यहां पर नोट डाउन कर लिया. तो यहां से दो स्टेटमेंट हमारे पास क्लियर हुई और वो दो स्टेटमेंट ये हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. फिर हमें कहा गया कि कंबाइन बोथ रिलेशंस, दोनों रिलेशंस को आपस में कंबाइन करें. तो हमें पता है कि अगर दोनों रिलेशंस को कंबाइन करेंगे तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 * Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अब ये Q1 और Q2 मैंने न्यूमरेटर में क्यों दिया? क्योंकि अगर कोई भी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इट मस्ट बी रिटन इन द न्यूमरेटर, इसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं. और r स्क्वायर को हमने डिनोमिनेटर में क्यों रखा? क्योंकि जो क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं. सो द वैल्यू ऑफ फोर्स इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. बाय रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनलिटी सिंपल वी हैव टू पुट हियर सम कांस्टेंट and that constant is represented by k. Now the equation is f is equal to k q1 q2 divided by r square. That's the finalized equation called Coulomb's law.
ये कूलम्स लॉ की एक फाइनलाइज्ड इक्वेशन है जिसमें फोर्स हमने किसके बराबर किया, फोर्स बराबर किया हमने सम कांस्टेंट व्हिच इज के, q1 इज द अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, q2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, एंड r इज हियर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हमने r के साथ रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ वी हैव टू मेक सम डिस्कशन ओवर दिस कांस्टेंट. इस कांस्टेंट के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि यहां पर जो हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है इस कांस्टेंट का मतलब क्या है. सो आई हैव टू जस्ट रिमूव दिस साइड एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कांस्टेंट फैक्टर. डियर व्यूअर्स, दिस कांस्टेंट के व्हिच आई जस्ट रिप्रेजेंट हियर, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट. व्हाट वी कॉल दिस कांस्टेंट इज कूलम्स कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ दिस कूलम्स कांस्टेंट. इस कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, यानी के डिपेंड्स अपॉन, के किन चीजों पर डिपेंड करता है, के डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. जो के है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है और वो दो चीजें कौन सी हैं. सबसे पहले ये है कि नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन चार्जेस, हमने चार्जेस के दरमियान में मीडियम कौन सा रखा, नेचर ऑफ मीडियम. लेट सपोज अगर मैं कहूं कि दोनों चार्जेस को एयर में रखा जाए, फिर दोनों चार्जेस Q1 और Q2 को पानी के अंदर रखा जाए, तो तब क्या फोर्स सेम रहेगा. आप कहेंगे फोर्स सेम नहीं रहेगा. क्यों, क्योंकि वहां पर K की वैल्यू चेंज होगी. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि K डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पर, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि K डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पर. सिस्टम ऑफ यूनिट पर K की वैल्यू डिपेंड करती है. ये दो चीजें हैं जिस पर K डिपेंड करता है. सो डियर व्यूवर्स, सबसे पहले तो हम के की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं कि के का यूनिट क्या होता है, और उसके बाद में इसको इसकी वैल्यू को भी हम डिटरमाइन करेंगे. सो हेयर इज इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन बनी पड़ी है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. मैंने इसी सेम इक्वेशन को रीअरेंज करना है, और कैसे रीअरेंज करेंगे कि आप देख सकते हैं कि इक्वेशन में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, अगर ये फोर्स की साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फोर्स इंटू आर स्क्वायर. बाकी उस साइड क्या बचा, उस साइड बचा के Q1 इंटू Q2. सो डियर व्यूवर्स, Q1 इंटू Q2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इस साइड आके क्या करेंगे डिवाइड. सो K किसके बराबर हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2. सो वी हैव टू पुट द यूनिट हेयर, हमने इसके यूनिट पुट्स करने हैं. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और R का मतलब होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर. So Newton into meter square divided by Q1, the unit of charge. In the previous lecture, मैं define कर चुका हूँ कि जो charge का unit होता है वो coulomb होता है. अब इस charge का unit भी coulomb होगा, और इस charge का unit भी coulomb होगा. So coulomb is multiplied with coulomb, we got coulomb square. So that's the unit of K. This coulomb constant has the unit of Newton into meter square per coulomb square. So remember, kindly remember the unit of K. जो K का यूनिट है, काइंडली उसको जहन में रखिएगा कि K का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो दैट्स द यूनिट ऑफ K. अच्छा, अब आप देखें इस B वाली स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि K जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट पर कैसे डिपेंड करता है. नाउ लुक एट हेयर, इफ आई पुट डाइन इंस्टेड ऑफ न्यूटन, अगर मैं न्यूटन को हटाकर डाइन पुट करूंगा तो ऑब्वियसली हमें पता है कि 1 न्यूटन कंटेन्स 10^5 डाइन्स. तो न्यूटन को हटाकर मैंने 10^5 टाइम्स दे देने हैं, और अगर 10^5 लिखेंगे तो ऑब्वियसली नंबर चेंज हो जाएगा. इसी तरीके के साथ यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, अगर मैं कहूँ कि सेंटीमीटर स्क्वायर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो मीटर की जगह पर सेंटीमीटर लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. इट मीन्स वॉट, इट मीन्स के K की वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर भी डिपेंड करती है. ओके, सो अगेन अभी हमने नेक्स्ट जो डिस्कशन करनी है वो करनी है नेचर ऑफ मीडियम, कि अगर दो चार्जेस के दरमियान में जो हम मीडियम रखेंगे उस मीडियम को हम कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं, और फोर्स उन चीजों पर कैसे डिपेंड करता है. सो आई हैव टू क्लियर दिस व्हाइट बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट्स क्लियर ऑल ड्राइंग्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट हाउ वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन चार्जेस. के की जो वैल्यू है वो मीडियम बिटवीन चार्जेस पर कैसे डिपेंड करती है. डियर व्यूअर्स, हमें कहा गया कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और Q1 और Q2 के दरमियान में डिस्टेंस है हमारे पास R,
हमें कहा गया कि आप दोनों चार्जेस को फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखें, फ्री स्पेस आर इन वैक्यूम। सो वैक्यूम यानी फ्री स्पेस का मतलब होता है, तो हम कहेंगे इफ द बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस आर वैक्यूम, दोनों चार्जेस को हम फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखें। और कहीं बुक्स में भी इसको जो है वो एयर का मीडियम भी कह रहा है, ठीक है। तो वैसे थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, क्योंकि वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम में एयर शामिल ना हो, लेकिन अगर एयर की बात करेंगे तो एयर शामिल होगी। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। सो फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर के केस में, इनके केस में हमने क्या है, हमें के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एंड रिमेंबर दिस वन, इफ द मीडियम इज फ्री स्पेस आर वैक्यूम आर एयर, देन द वैल्यू ऑफ के, जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 1/4 pi epsilon naught। दिस टर्म इज प्रोनाउंस्ड एड एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। अब तब तक ये जहन में रखें कि फ्री स्पेस वैक्यूम या एयर में जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/4 pi epsilon naught। सो नाउ हियर द एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट। इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट कहते हैं। वी कॉल दिस एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कह सकते हैं। वी कॉल दिस एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की क्या होती है, ये फ्री स्पेस की होती है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एप्सिलॉन नॉट, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात करेंगे फ्री स्पेस या वैक्यूम की, तो वहां पर परमिटिविटी होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर वाटर की बात करेंगे तो वी मस्ट गो थ्रू परमिटिविटी ऑफ वाटर। अगर हम एल्यूमिनियम अमोनिया, अमोनिया लिक्विड की बात करेंगे तो वी मस्ट गो थ्रू द परमिटिविटी ऑफ अमोनिया। अगर हम बेकलाइट की बात करेंगे तो वी मस्ट गो थ्रू द परमिटिविटी ऑफ बेकलाइट। इट मीन्स दैट परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। जो परमिटिविटी होती है वो किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर हम कौन सी चीज डिस्कस कर रहे हैं, फ्री स्पेस या वैक्यूम, तो हम क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या आप इसे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी कह सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, दैट द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे देखेंगे। Now look at here, if I want to represent 4 pi as in terms of unit, तो 4 pi को कोई unit नहीं होता। अगर मैंने unit बताना है तो 4 pi को remove कर दें, बाकी k की value क्या होगी, 1/epsilon naught। तो अगर मुझे epsilon naught की value चाहिए तो obviously denominator numerator में change कर दें और numerator denominator में change कर दें दोनों side पर। तो k की division में 1 है तो इसका answer आ जाएगा 1/k और इस side आ जाएगा epsilon naught। तो अगर मैं यूनिट लिखूं के का, तो के यूनिट को रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल कैसे कर दें, जैसे मैंने के यूनिट में बताया था कि के का यूनिट होता है न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, हमने उसको इनवर्स कर दिया। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। नाउ मूविंग थ्रू द वैल्यू ऑफ दिस परमिटिविटी, हम इस परमिटिविटी की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। नाउ रिमेंबर डियर व्यूअर्स दैट द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻¹². नेगेटिव 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, दैट्स द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, काइंडली रिमेंबर दिस वन, 8.85 × 10⁻¹², कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये यूनिट अभी मैंने आपको फाइंड करवाया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसी इक्वेशन में, आई हैव टू जस्ट रिमूव दिस थिंग, अगर हम इसी सेम इक्वेशन में k की वैल्यू डिटरमाइन करें, तो k की वैल्यू कैसे लिखेंगे, k की वैल्यू बराबर होगी 1/4 pi, pi की वैल्यू होती है 3.14 और यहाँ पर epsilon naught है, तो epsilon naught की वैल्यू मैंने आपको बता दी 8.85 × 10⁻¹². अगर इस सारी क्वांटिटी को आप सॉल्व करेंगे तो
के की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, 9 × 10⁻¹, और इसका यूनिट मैंने बता दिया था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दैट्स द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के। ये के की हमें क्या मिलेगी, रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगी। के की वैल्यू क्या हमें मिली, 9 × 10⁻¹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू तब होगी जब हम फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर की बात करेंगे। दैट्स द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट। ये इस कॉन्स्टेंट की क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू है। सो आई हैव टू जस्ट रिमूव दिस व्हाइट बोर्ड। मैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन आपके सामने रिमूव करूंगा, क्योंकि अब मैंने एप्सिलॉन नॉट के बारे में डिस्कस करना है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है। सो वी हैव टू गो थ्रू क्लियर ऑल ड्राइंग्स, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस परमिटिविटी। व्हाट आई एक्सप्लेन इन अबोव, के के की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/4 π ε₀। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, या इसे आप परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी कह सकते हैं। अब इस परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, डियर व्यूवर्स रिमेंबर दिस वन, दैट दिस परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। सबसे पहली जो चीज है वो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है परमिटिविटी। कहीं पर भी अगर वर्ड परमिटिविटी सुन रहे हैं, जैसे परमिटिविटी ऑफ वाटर हो गया, परमिटिविटी ऑफ बैकलाइट हो गया, परमिटिविटी ऑफ ग्लास हो गया, तो परमिटिविटी उसी मीडियम की प्रॉपर्टी होगी, जिसका काम क्या होगा, टू रिड्यूस द फोर्स बिटवीन चार्जेस, टू रिड्यूस द फोर्स बिटवीन चार्जेस, टू रिड्यूस द फोर्स बिटवीन चार्जेस। चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होगा उस फोर्स को रिड्यूस करने में इसका काम है। यानी कि अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां पर फोर्स कम लगेगा, और अगर एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम की वैल्यू अगर कम होगी तो वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि सर जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी। लाजमी नहीं कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो, ये परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम हो सकती है। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एप्सिलॉन एम के साथ। एप्सिलॉन एम का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो काइंडली रिमेंबर दिस वन डियर व्यूअर्स, दैट एप्सिलॉन जिसे हम एप्सिलॉन कह रहे थे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कह रहे थे, उस परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब क्या होता है, फोर्स को कम करना। किसी भी दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स को कम करना किसका काम होता है, परमिटिविटी का काम होता है। अगर रिक्वायर्ड चार्जेस की वैल्यू चार्जेस के बीच में जिस मीडियम में हम उसको रख रहे हैं, अगर उसकी परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, और अगर परमिटिविटी कम होगी तो वहां पर फोर्स की वैल्यू ज्यादा लगेगी। सो दैट्स द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी, कि हम परमिटिविटी को किस तरीके के साथ डिस्कस करते हैं इन केसेस में। आई होप दैट यू गॉट दिस लेक्चर क्लियरली, एंड इंशाल्लाह फ्रॉम दिस वी हैव टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।